चलो जल्दी जल्दी जमा हो जाओ, जल्दी जल्दी ज्वाइन होते जाओ। आवाज आ रही है सबको? ओके चलो, देखो कल हम लोग शुरुआत जो करेंगे, तो कल जो टेस्ट मैंने लिया था उसमें जो आप लोगों ने आंसर्स किए, 32 स्टूडेंट्स जो है उन्होंने जवाब भेजे थे। मैं यहाँ लिख ही देता हूँ, 32 स्टूडेंट्स, यानी ये 32 लोग वो हैं जिन्होंने टेस्ट पेपर जो है वो मुझे भेजा है, जबकि 63 स्टूडेंट जो है वो ज्वाइन है ये क्लास के अंदर। अब 63 लोग ज्वाइन है टोटल और 32 लोगों ने टेस्ट भेजा है, इसका मतलब ये हुआ कि 31 स्टूडेंट जो है उन्होंने टेस्ट को सॉल्व ही नहीं किए। ओके, 50% लोगों ने, 63 में से 31 लोग वो हैं जिन्होंने टेस्ट को देखा ही नहीं या उन्होंने सॉल्व ही नहीं किए। अगर वो सॉल्व किए होते तो वो सेंड करते थे। जब 32 लोगों ने सेंड किया, इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ 50% लोग हैं जो पढ़ाई को लेकर जो है सीरियस है, बाकी जो लोग हैं या तो उनका कोई मसला है, कोई कुछ तो भी प्रॉब्लम है, और या फिर उनको कोई दिलचस्पी है नहीं। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आज जो है मैं आप लोगों को कल के टेस्ट के अंदर जो कुछ न्यूमेरिकल के अंदर कुछ बच्चों को जो प्रॉब्लम्स आए थे, मैं एक बार उसी प्रॉब्लम को जो है यहाँ पे सॉल्व करके बताता हूँ। ठीक है, और उस तरह से हम और भी बहुत सारे दूसरे प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। आप में से कोई एक जो है कल का वो जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम था वो पढ़कर बताओ, कोई भी एक। कल के टेस्ट के अंदर जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम आपको पढ़ के बताना है। आवाज आ रही है सबको? हेलो। यस सर। सर हाँ, चलो बेटा पढ़ो। हाँ सर, एक जिस्म 25 सेंटीमीटर निस्फ कुत्र के दायरे पर 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से यक्षा दायरेवी हरकत कर रहा है, मरकज को इसका मालूम कीजिए। ओके, देखो बेटा ये बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम था। इसमें सबसे पहले आपको दायरे का निष्कुत्र दिया हुआ है आर। ओके, आर कितना दिया हुआ है पढ़ो, आप उसमें बताओ। 25 सेंटीमीटर। इसके बाद आपको बोला गया था कि वो जो जर्रा है वो यक्षा दायरवी हरकत में है। अगर वो यक्षा दायरवी हरकत में है मतलब उसकी खती रफ्तार होगी कुछ तो भी, तो यहाँ पर v जो है वो आपको दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर पर सेकंड। आप लोग इस तरह से लिखोगे उसको पहले, यानी r बराबर 25 सेंटीमीटर और v बराबर 50 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब आपका टारगेट है मरकज जो इसरा मालूम करना, मतलब AC जो है वो आपको मालूम करना है। इतनी बात समझ में आई सबको, क्या दिया हुआ है और क्या मालूम करना है? देखे आप, लिखे आपने सबने, सब लोग लिखे जाओ। yes, हाँ, किसी का भी कोई प्रॉब्लम आया तो बिल्कुल म्यूट अनम्यूट होकर आप मुझसे बताना। इतनी चीजें पहले लिख लो आप लोग। अब देखो ये प्रॉब्लम जो है इसको मैं आपको दो तरीकों से सॉल्व करके बताऊंगा, ताकि आपको दोनों जो तरीके हैं वो एक साथ समझ में आ जाए।
देखो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे आर के बारे में देखेंगे, आर 25 सेंटीमीटर है, तो ये जो है ये सीजीएस निजाम में है, आर जो है वो 25 सेंटीमीटर सीजीएस निजाम में है। ओके, वी बराबर 50 सेंटीमीटर पर सेकंड जो है ये भी सीजीएस है, ये भी सीजीएस निजाम के अंदर दी हुई है, सेंटीमीटर पर सेकंड जो है वो सीजीएस इकाई है। इसका मतलब दो लोग दिए हैं और दोनों भी सीजीएस में है, तो एक सिंपल बात तो ये रहेगी कि आप ये प्रॉब्लम को सीजीएस में सॉल्व कर डालो, मतलब आपको एमकेएस में या एसआई निजाम में जाने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट जैसा दिया हुआ है वैसे ही आप उसको इस्तेमाल करो और आंसर जो आएगा वो सीजीएस में आएगा। देखो मैं करके बताता हूँ आपको। सबसे पहले एसी का हम फॉर्मूला लिखेंगे, एसी का फॉर्मूला है वी स्क्वायर अपॉन आर। ओके, अब आप इसके अंदर वी की और आर की कीमतें ला के रख दो, जो आपको कीमतें दी गई थी वो वाली कीमतें। देखो ये ऐसा हो जाएगा, वी की कीमत है 50, तो ये होगा 50 का स्क्वायर अपॉन आर, आर की कीमत है 25। ओके, अब आप इसको और आगे सॉल्व करो, ए सी इज इक्वल टू, सबसे पहले देखो 50 का स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब होगा कि उसको अपने आप से एक बार जरब करेंगे। ओके, उसी नंबर को अपने आप से जरब करना है, तो 50 का स्क्वायर का मतलब होगा 50 को एक बार आप 50 से जरब करो, 50 जरब 50 से 50 का स्क्वायर, अपॉन में नीचे आ जाएगा 25। ओके, अब आप इसको सॉल्व करके देखो, 25 से का 25, 25 दूनी 50, 50 जो है वो 25 से कट गया, तो 25 दूनी 50। अब आप देखो ऊपर 2 है और ये 50 है और दोनों के बीच में जरब है, इसका मतलब ये आएगा AC इज इक्वल टू 50 दूनी 100, यहां पर आप देखो 50 दूनी 100 और इसकी यूनिट रहेगी सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये उसका आंसर आ गया। यानी ये इस तरीके से हम प्रॉब्लम को उस वक्त करेंगे जब हमको तमाम चीजें एक ही निजाम में दी गई हैं। अगर तमाम चीजें एक ही निजाम में दिए हैं, जैसे यहाँ पे ये भी सीजीएस था, ये भी सीजीएस था, हमने कोई कन्वर्शन नहीं करे, फाइनल आंसर सीजीएस में आ गया, आंसर आ गया 100 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितने लोगों को ये प्रॉब्लम समझ में आया? यस सर, यस सर। हाँ, इसको नोट कर लिया सब लोगों ने? यस सर, यस सर। ओके, हाँ, जिन लोगों ने नोट नहीं किया है वो फटाफट अभी नोट कर लो, ठीक है। चलो अब मैं आपको यही वाला प्रॉब्लम एसआई निजाम में सॉल्व करके बताता हूँ। आप में से कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा भी था कि हम इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे और हमको इसमें प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं देखो एक बार बहुत ही शॉर्ट में आपको ये समझा देता हूँ कि करेंगे कैसे। सबसे पहले आप देखो यहाँ पर कि मैं यहाँ दोबारा से लिखता हूँ, तमाम लोग गौर से देखना, आर बराबर 25 सेंटीमीटर, अब ये सीजीएस में है और हमको ये सवाल को मान लो कि एसआई निजाम में करना है, तो हम एक काम करेंगे, ये जो 25 है इसको लिखेंगे 25/100 मीटर। ऐसा क्यों करेंगे? उसका रीजन हमने इससे पहले पढ़ चुके हैं, जब हम सेंटीमीटर को मीटर बनाते हैं तो हम 100 से डिवाइड करेंगे। ओके, अब आप गौर से देखना, 25 सेंटीमीटर को मीटर बनाने के वास्ते हमने उसको 100 से तकसीम कर दिया। अब आप 25 को कट करो, 25 से का 25, 25 चौक 100, इसका मतलब ये हो गया 1/4 मीटर, ये हो गई आर की कीमत। ओके, ये क्या आ गया? आर की कीमत, इसको कुछ नहीं करना है, ये 1/4 कन्वर्ट होकर आ गया, इसको आप नोट करके रख लो अलग से, यानी आर बराबर 1/4 मीटर। ओके, चलो अब हम आगे बढ़ाते हैं। अब आप देखो वी बराबर, आपको जो गति रफ्तार जो दी गई थी वो दी गई है 50 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो अब हम इसमें एक काम करेंगे, ये जो 50 है इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा हमको, 50 सेंटीमीटर नहीं चलेगा बल्कि 50 को मीटर बनाना पड़ेगा, तो हम यहां पर एक काम करते हैं, 50 को 100 से डिवाइड कर लो, तो ये बन जाएगा मीटर पर सेकंड। ओके, 50 को क्या करें हमने, सेंटीमीटर था तो उसको 100 से तकसीम करें, वो बन गया मीटर। हाँ, तो इसका मतलब ये आ जाएगा V बराबर, अब आप इसको कट कर लो, 50 से का 50, 50 दूनी 100, मतलब इसकी कीमत आ गई 1/2 मीटर पर सेकंड। देखो यहां तक समझ में आया क्या आपको? यस सर, यस सर। ओके, ठीक है, इतना नोट कर लिए सबने? यस सर, यस सर। ओके चलो, हाँ, अब जब मैं आपसे पूछूंगा किसकी कीमत क्या है तो वो आपने बताना चाहिए, आर की कीमत है 1/4 मीटर और वी की कीमत है 1/2 मीटर पर सेकंड। ओके, अब जो चीज हमको मालूम करना था, यानी अभी हमने सिर्फ कन्वर्ट करे, अभी हमने जो चीजें दी गई थी उनको कन्वर्ट करे एसआई निजाम के अंदर, अब हम मेन प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करेंगे। देखो सबसे पहले आपको एसी दिया हुआ है,
ओके, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आपको मर्कस भी इस तरह जो है वो आपको दिया हुआ है, एसी बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर। ओके, तो इस फॉर्मूले के अंदर हम एक काम करते हैं, तमाम कीमतें कन्वर्ट वाली जो कीमतें हैं आर की और वी की वो इसमें ला के रख देंगे। देखो सबसे पहले ये जो वी है, वी की कीमत क्या है, हमको क्या मिली थी कीमत वी की? सर 1/2 स्क्वायर। 1/2, तो यहाँ पर v का स्क्वायर है, इसका मतलब इसकी कीमत का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, 1/2 पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर, अपॉन में r है, r क्या मतलब है 1/4, r जो है वो हम लोगों ने कन्वर्ट करे थे वो 1/4 आ गया था, इसको 1/4 लिख दिए। अब इसको और आगे बढ़ाते हैं, ac बराबर, देखो ऊपर वाला जो नंबर है इसको हम वैसा का वैसा लिख लेंगे 1/2 का स्क्वायर इंटू, अब ये जो नीचे वाला जो नंबर है 1/4, ये जो नंबर दिख रहा है आप लोगों को, तो इस 1/4 को हम ऊपर लेकर जाएंगे जरब में। जब आप इसको ऊपर लेके जाएंगे जरब के अंदर तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी 1/4 उल्टा हो जाएगा, मतलब ये बन जाएगा 4/1। ओके, और इस तरीके से इसका आंसर आएगा एसी बराबर, अब देखो 1/2 ब्रैकेट का, यानी पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर है, तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे 1 का स्क्वायर होगा 1/2 का स्क्वायर होगा 4, तो 1/2 का स्क्वायर हो गया 1/4, इसके बाजू में है जरब, यहां पर है 4/1। अब आप गौर से देखना, ये 4 से ये 4 कट गया। ओके, अब 4 से 4 कट गया तो कोई बचा ही नहीं, 1/1 जरा 1/1 यानी 1, इसका मतलब आंसर आएगा एसी बराबर 1, और अब इसकी यूनिट आएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, इस तरीके से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो आप लोगों को ये समझ में आया क्या? यस सर, यस सर। ओके, हाँ, ये जो अभी मैंने आपको अभी जो मैंने आपको कन्वर्ट करके और सॉल्व करके बताया, इसमें आप में से किसी को कोई कोई ऐसी डिफिकल्टी, कोई दुश्वारी है? कोई कोई प्रॉब्लम है क्या आप लोगों को इसमें? हाँ बोलो ना, जिसको प्रॉब्लम है वो सिर्फ वो, हाँ हाँ बोलो। आपने एक क्वेश्चन में 10 को मतलब 100 से जब किए थे तो आपने बोले थे उसका स्क्वायर लेंगे, तो सर वो वाला क्वेश्चन अलग था कि वो भी तो सेम ही था ना इसमें क्वेश्चन में? नहीं नहीं देखो, नहीं 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 बिल्कुल सही है, हम अपने तरीके से कैसा भी कट कर सकते हैं, यानी जैसे हमको नंबर दिए जाएंगे हम उनको उस तरीके से करेंगे। जैसा मैं आपको बता देता हूँ, देखो एक मिनट, मैं आपको ये जो डिफिकल्टी एक ने अभी पूछा है ना, मैं पहले इसको क्लियर कर देता हूँ। देखो 10 सेंटीमीटर है, इसको अपने को कन्वर्ट करना है मीटर में, इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो हम इसको ऐसा लिखेंगे 10/100 मीटर। ओके, अब ये जीरो से जीरो कट गया, अब ये बचेगा 1/ ये जो 10 है, यहाँ पे 10 का पावर 1 है, आप याद रखो जब किसी का कोई पावर नहीं होता है तो 1 पावर होता है उसका, तो 10 का पावर 1 है, ये 10 के पावर को ऊपर लेके जाएंगे, ये हो जाएगा 10^-1 मीटर। इसका मतलब 10 सेंटीमीटर बराबर ये नंबर आ गया, बराबर है, ये समझ में आया सबको? यस सर। ओके, हाँ अब देखो मैं यही वाली चीज को दूसरे किसी और नंबर के लिए करके बताता हूँ। अगर हम यहाँ पर कोई दूसरा नंबर लेते हैं, मान लो कोई भी नंबर लो, जैसे मिसाल के तौर पर मान लो हमने ले लिए, यहाँ पर मान लो हमको 20 सेंटीमीटर है, एक प्रॉब्लम है, मान लो 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट करना है, तो हम एक काम करेंगे, ये जो 20 है इसको हम तकसीम करेंगे 100 से। अब आप एक काम करो, ये जीरो से जीरो कट गया, अब जीरो से जीरो कट गया तो बचा कौन, ऊपर 2 है और नीचे 10 है, अब आप चाहो तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 10^1। ओके, और अब ये 10^1 को आप ऊपर लेके चले जाओ तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2^10^1। आया समझ में? एक तरीका उसका ये है, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, यानी 20 सेंटीमीटर जो है जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे ये आएगा 2^10^1 मीटर। ओके, एक आइडिया में आप, हाँ हाँ, अब काट दिए तो भी चलेगा, हाँ ओके, देखो अब इसको काट के भी हम बता सकते हैं, अगर हमको इसको काटना है, मान लो अगर 2 को 10 से डिवाइड करना है ये बन जाएगा 0.2 मीटर, तो ये भी चलता, अगर हमको ये इजी लगता है हम इसको ऐसा लिखते हैं। आपने जो 10 का था
जो 0.1 था हाँ आपने उसको बोले थे कि हाँ -10 लिखेंगे, 10 -1 टेन का का पावर टेन का लिखेंगे। पावर माइनस वन। हाँ करेक्ट। हाँ तो 0.2 का कैसा लिखेंगे सर इसको? हाँ 0.2 का ऐसे लिखेंगे, 2 × 10 का पावर माइनस वन। समझ में आया सबको? यस देखो मैं आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए एक एक आधी मिसाल और बताता हूँ, और एक आसान आइडिया भी बता देता आखिरी में। ये देखो मान लो आपको 10 सेंटीमीटर को चेंज करना है, तो अब आप ज्यादा लोड मत लो। देखो एक काम करो, ये तरीका सबसे आसान है, उसको जो नंबर आपको दिया हुआ है उसको कुछ नहीं करना, उसको 10 का पावर -2 से मल्टीप्लाई करके मीटर लिख देना। ये बात समझ में आई? क्या करना है, सेंटीमीटर में आपको जो दिया हुआ है उसको वैसे ही रहने दो, उसको जरब कर दो 10 का पावर 2 लिख दो साथ में, खत्म हो गया, कुछ नहीं करना है। तो इस तरीके से भी आप उसको हल कर सकते हैं। देखो यही वाले प्रॉब्लम को मैं आपको इस तरीके से सॉल्व करके बताता हूँ, ठीक है? आप भी नोट करो बल्कि इसको, आपके लिए ज्यादा अच्छा हो जाएगा। ये देखो आर बराबर 25 सेंटीमीटर, तो हम इसको ऐसा लिखेंगे, आर बराबर 25 ÷ 10^2 मीटर। इतना लिखो आप लोग पहले। ये समझ में आया ना सबको, जो दिया गया था हाँ सेंटीमीटर में था उसको वैसे ही रहने देंगे जैसा है, उसको 10 का पावर 2 लिख दो। वो जो अभी 100 से तकसीम कर रहे थे वही 100 को अपने ऊपर लिख दिया 10 के पावर में, ऐसा भी कर सकते हैं। हाँ इसके बाद आप देखो v बराबर 50 सेंटीमीटर पर सेकंड था, हम इसको ऐसा लिखेंगे 50 ÷ 10^2 मीटर पर सेकंड। देखो समझ में आया क्या, लिखो इसको ऐसा। ओके लिखिए सबने इतना। यस सर यस सर। हाँ और अब आप देखो आपको एसी मालूम करना है। अब एसी किस तरह से मालूम करेंगे उसको समझ लो, फॉर्मूला है v² / r, ठीक है? इसके अंदर आप कीमतें ला के रख दो, v की कीमत है 50 ÷ 10^2 का स्क्वायर, और अपॉन में r है 25 ÷ 10^2। इतना नोट कर लो आप लोग। ओके लिखिए सबने इतना। यस सर। हाँ अब आप देखो इतना लिखने के बाद अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यानी आंसर कैसे आएगा उसको देखो आप। एक ही प्रॉब्लम को आप कई तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। एसी बराबर, अब देखो 50 ÷ 10^2 है और पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर है। पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर का मतलब यह है कि इसको 2 मरतबा लिखना पड़ेगा, यानी जरब करके अपने आप से। तो 50 ÷ 10^2 जो है, 50 ÷ 10^2, इसको 2 बार लिखना पड़ेगा जरब करके, क्योंकि पावर में 2 है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 50 ÷ 10^2 जरब 50 ÷ 10^2, और फिर इसके अपॉन में, ओके ये ऊपर वाले नंबर का स्क्वायर हो गया, अपॉन में नीचे कौन है तो 25 ÷ 10^2। ये स्टेप समझ में आई क्या आपको? देखो पहले हर स्टेप को बराबर, ओके हर स्टेप को बराबर समझ के लिखो, क्योंकि समझ में आ जाएगा तो आप कोई भी तरीके से आपको जैसा आसान लगे वैसा आप खुद हल कर सकते हैं। ओके देखो अब, और अपना मकसद भी वही है कि आपने खुद से हल करते आना चाहिए, आपको उससे डरने की जरूरत नहीं है, आप खुद सॉल्व करने को होना। अब देखो क्या करेंगे, ये 25 से कट करो, 25 से 25, 25 × 50, ओके 25 से ऊपर वाले 50 को कट कर दिए। अब आप ये देखो 10 का पावर 2 नीचे है, ये 10 का पावर 2 ऊपर है, तो ये इसके साथ कट गया, ये 25 से ये 50 कट गया, ये 10 का पावर 2 से 10 का पावर 2 कट गया। अब जो बच गए उनको लिख लेंगे, ये बचा हुआ है AC इज इक्वल टू, सबसे पहले नीचे देखो, नीचे कोई नहीं बचा, नीचे के सारे लोग कैंसिल हो गए, तो ऊपर वाले जो बचे हैं उनको लिख लेंगे। यहां से बचा हुआ है 2, जरब 10 का पावर 2 कट गया है, यहां से बचा है 50, जरब यहां से बचा हुआ है 10 का पावर -2। ओके अब आप इसको सॉल्व कर लो, AC इज इक्वल टू 2 और 50 की जरब करेंगे,
जब आप 2 और 50 की जरब करेंगे, 50 दूनी 100, जरब 10 का पावर -2। और अब आप एक काम कर सकते हैं, AC इज इक्वल टू ये 10 के पावर वजह 2 से जब आप इसमें जरब करेंगे तो इसमें जो आश्चर्य है वो यहाँ पर है। ये जो 100 है इसका मतलब 100 का पावर 100.0 है, उसके आगे आश्चर्य के आगे 0 है। जब आप 10 की कुत वजह 2 से इसको जरब करेंगे, ये आश्चर्य 2 नंबर पीछे जाएगा, मतलब यहाँ पर। और अगर ये 2 नंबर पीछे जाता है ये बन जाएगा 1.00। ओके, अब पॉइंट के बाद 0.00 है, इसका मतलब वो 0.00 लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो ये हो जाएगा 1 मीटर पर सेकंड। इसके ओके, यही हमारा पहले भी जवाब आया था जब हमने उसको 1/2 और 1/4 लेके किए थे, तब भी हमारा आंसर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया था। अभी हमने 10 का पावर यूज करे तो भी आंसर वही आया, आंसर वही आएगा। आप कैसा भी सॉल्व करो, जिस निजाम के अंदर आप उसको हल कर रहे हो उस निजाम में आंसर बदलेगा नहीं, आंसर वही आने वाला है। ओके, देखो ये पॉइंट, ये बात समझ में आई क्या आपको? ये देख लो पहले। यस सर। ओके, हाँ वेरी गुड। चलो अब आप में से अगर किसी को कोई इसमें कोई एकाधी बात समझ में ना आई हो तो वो पूछो। सर, भाई ये चीज समझ में नहीं आई। सर, इससे पहले जो CGS सिस्टम में करे थे इसका हल, तो सर 100 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर आया था आंसर। हाँ जी, हाँ तो सर देखो, हाँ बिल्कुल सही है ना, वो जवाब भी बिल्कुल सही है। देखो AC बराबर आया था 100 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आपको ये पूछा जाए कि अब ये जो जवाब आया CGS निजाम में, ये जो जवाब आया है इसको SI में कन्वर्ट करो, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो, तो हम क्या करेंगे? AC इज इक्वल टू, हमको मालूम है सेंटीमीटर को अगर मीटर बनाना है तो हमारे पास उसका दो तरीके हैं, या तो 100 से तकसीम कर दो या 10 की कुव्वत वजह 2 से ज़रब कर दो। एक काम करो, 100 को 100 से तकसीम कर दो, ये बन जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अब देखो उसका जवाब क्या आता है, 100/100 आ गया, इसका मतलब 100 से 100 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 1 मीटर पर सेकंड। आप देखो यही जवाब आया, आया कि समझ? यस सर। हाँ तो देखो CGS एग्जाम में जब आप सॉल्व करेंगे आंसर कुछ अलग आएगा, लेकिन अगर आप उस आंसर को कन्वर्ट करेंगे, जो आंसर आएगा CGS के अंदर जब आप लोग उसको तब्दील करेंगे SI एग्जाम के अंदर, उस वक्त आंसर वही आएगा जो आपने पहले, मतलब SI के लिए जो आया था। आंसर कभी नहीं बदलता, यानी एक प्रॉब्लम का आंसर एक ही होता है। CGS एग्जाम में एक अलग नंबर आएगा, SI निजाम में एक अलग नंबर आएगा, आप उसको कैसा भी हल करो। यही वाले प्रॉब्लम को अगर आप लॉग और एंटी लॉग से करेंगे तो भी आंसर यही आएगा, मतलब इसी तरीके से आएगा। और CGS में करेंगे तो CGS के हिसाब से आएगा, SI में करेंगे तो SI के हिसाब से आएगा। ओके, चलो एक काम करते हैं, जस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए एक प्रॉब्लम मैं आपको अभी देता हूँ और आप लोग अभी हल करके मुझे बताओ, ठीक है? एक सवाल लिखो आप लोग, एक दायरे का निष्कुत्र, एक दायरे का निष्कुत्र सेवेंटी फाइव सेंटीमीटर है, एक दायरे का निष्कुत्र 75 सेंटीमीटर है। इस दायरे के मुहित पर, इस दायरे के मुहित पर एक जर्रा, इस दायरे के मुहित पर एक जर्रा 5 मीटर पर सेकंड, एक जर्रा 5 मीटर पर सेकंड गति रफ्तार से हरकत कर रहा है, 5 मीटर पर सेकंड गति रफ्तार से हरकत कर रहा है, मरकज जो इसरा मालूम कीजिए, मरकज जो इसरा मालूम कीजिए। ओके, मतलब AC इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब आप देखो ये सवाल जो है इसको मैं आपको पहले, आप लोग खुद से भी सॉल्व करना शुरू कर दो और मैं भी यहां पर आपको बता रहा हूं
किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे वो इसको आप एक बार अच्छे से देखें। देखो सबसे पहली चीज आपको दी गई है आर, आर जो है रेडियस यानी निष्कुत्र दायरे का वो 75 सेंटीमीटर है, लेकिन इसके बाद रफ्तार जो है वो एसआई निजाम में दी गई थी। तो हम एक काम करेंगे, इस सेंटीमीटर को मीटर बनाना पड़ेगा। सेंटीमीटर को मीटर बनाने के हमारे पास दो तरीके हैं, या तो दिए हुए नंबर को 100 से तकसीम करो या दिए हुए नंबर को 10 की कुव्वत वजा 2 से मल्टीप्लाई करो। तो हम यहाँ पर एक काम करेंगे, आर बराबर दिया हुआ नंबर है 75, इसको एसआई निजाम में कन्वर्ट करेंगे तो इसको जरब कर दो 10 की कुव्वत वजा 2 से, ये बन गया मीटर। ओके, यानी हमने यहाँ पे कन्वर्ट करने के लिए जो 100 से डिवाइड करे थे हमने वो 10 उसको 10 की कुव्वत 2 बना दिया, उसको ऊपर पहुंचा दिए तो 10 की कुव्वत वजा 2 आ गया मीटर में। अब यहाँ पर आप रफ्तार देखो, v बराबर आपको दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकंड। अब आप गौर करो कि ये जो v है 5 मीटर पर सेकंड ये ऑलरेडी एसआई निजाम में है। ओके, ये जो है ये ऑलरेडी एसआई निजाम के अंदर है, इसका मतलब ये है कि इसको कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, ये जैसा है वैसे ही यूज करेंगे। तो अब आप यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे एसी का, मरकज जो इस तरह का एसी का फॉर्मूला है वी स्क्वायर अपॉन आर। इसमें आप कीमतें ला के रखो, इसकी कीमतें आ जाएंगी। देखो सबसे पहले v का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर अपॉन v की कीमत 5 है तो 5 लिख दिए। अब r, r जो है वो है 75 ज़रब 10 की कुव्वत वजा 2। पहले v की कीमत रखे, उसको स्क्वायर करें, स्क्वायर लिख दिए मतलब, और अपॉन में नीचे r जो था उसकी कीमत लिख दिए। इतना लिख लिए सब लोगों ने? यस सर। हाँ, अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। देखो ये क्या आएगा, एसी बराबर 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 अपॉन नीचे जो है ये आ जाएगा 75 ज़रब 10 की कुव्वत वजा 2। 5 का स्क्वायर करे ऊपर 25 हो गया, अपॉन में नीचे 75 ज़रब 10 की कुव्वत वजा 2। अब इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। देखो ये 25 से ये 75 कट जाता, 25 एक 25 किया 75। ओके, दूसरी चीज ये जो 10 की कुव्वत 2 है वजह 2 है इसको हम ऊपर लेकर जाएंगे। जब आप 10 के पावर को नीचे से ऊपर लेके जाते तो उसका जो पावर है वो निगेटिव हो जाता, यानी नीचे अगर पॉजिटिव है तो ऊपर आकर निगेटिव हो जाएगा, अगर नीचे निगेटिव है तो ऊपर आकर वो निगेटिव का निगेटिव यानी पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब आप इसको लिखेंगे ए सी बराबर, ये 25 का कट गया था 1 हो गया, जरब 10 का पावर ये -2 यानी 10 का पावर -2 जब ऊपर आएगा ये बन जाएगा 10 का पावर +2 अपॉन नीचे 75 कट गया था, नीचे बचा था 3 तो नीचे 3 का 3 लिख दिए। ओके, आप में से कितने लोगों को ये बात समझ में आई? यस सर। ओके हाँ, कोई ऐसा है जिसको ये समझ में नहीं आया है? ओके, इसका मतलब सबको समझ में आया? सर एक बार रिपीट करो। अच्छा ठीक है, हाँ बोलो, जिसका भी डिफिकल्टी है पूछो। सर एक बार रिपीट करो। हाँ ठीक है, देखो एकदम आसान था, ऊपर था 25 ओके और नीचे था 75 ज़रब 10 की कुव्वत वजा 2। ओके, इसको हमको कट करने का है तो हम क्या करेंगे, ये 25 को लेंगे, 25 एक 25, 25 दूनी 50 और 25 किया 75। आप देखो 25 का पहाड़ा बहुत आसान है, वो आराम से, मतलब कोई दूसरा नंबर होता तो बात अलग थी, 25 का पहाड़ा इतना आसान है कि आप आराम से उसको याद कर सकते हैं। 25 एक 25, 25 दूनी 50, 25 किया 75, 25 चौक 100 और ऐसे आगे बढ़ाते जाओगे 25 25। उसमें तो 25 का पहाड़ा क्योंकि आसान था इसलिए मैंने डायरेक्ट कट कर दिया, तो 25 एक 25, 25 किया 75। तो ऊपर यहाँ 25 कट के 1 हो गया, 75 की जगह पे 3 आ गया। अब हमने क्या करे, 10 का जो पावर -2 है नीचे इसको ऊपर लेकर गए। जब आप इसको ऊपर लेकर जाओगे, जब इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो 10 का पावर वजह 2 जो है वो 10 का पावर बन जाएगा -2 और इस तरीके से ये आ जाएगा ऊपर। देखो ये 1 है तो 1 जरब ये जो 10 का पावर वजह 2 था ऊपर आकर ही बन गया -2 और नीचे 75 कट के 3 बचा था तो नीचे 3 आया। आया क्या समझ में? यस सर। ओके, अभी भी कोई ऐसा है जिसको डाउट है कुछ इसमें?
सबको सब समझ में आ गया? यस सर। हाँ अब देखो आखिरी स्टेप। ओके वेरी गुड। हाँ चलो अब सब लोग म्यूट हो जाओ। अब आखिरी स्टेप में अपने को आंसर पे आना है। आंसर पर आने का तरीका क्या रहेगा वो देखो। AC बराबर यहाँ पर हम ये देखेंगे कि 10 के पावर वाले नंबर कौन है उनको अलग करेंगे और सादे नंबर कौन है उनको अलग करेंगे। यहाँ पे सादा नंबर है एक, बटे की अलामत के नीचे तीन है, ऊपर जरब है, 10 का पावर है प्लस 2। ओके अब आप एक चीज पे गौर करो कि आप यहाँ पर इसको ऊपर जो 10 का पावर 2 है उससे अगर आपने इस एक को जरब कर दिए तो ये बन जाएगा एक के आगे 2 जीरो लग जाएंगे। ओके यानी ये बन जाएगा 100। 10 का पावर प्लस में 2 है तो प्लस में 2 का मतलब 100 होता है, तो ये हो गया 100/3। AC इज इक्वल टू, अब अगर आपको इसको आसानी से हल करना आता है तो इसके आगे आप इसको हल करेंगे, अगर आपको नहीं आता है तो आप इसके आगे यूनिट लगा देंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपका जवाब आ गया, यानी 100/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन ये इतना आसान है कि आपने इसको आगे हल करना चाहिए, यानी आपको 3 से तकसीम करना है। ओके 3 से कैसे तकसीम करेंगे मैं आपको यहाँ पे इस जगह पे शॉर्ट में बता देता हूँ। देखो यहाँ पे हम लेंगे 100, यहाँ लेंगे 3। अब 3 से हमको वो 100 को तकसीम करना है, जाहिर है तकसीम करते टाइम पर हमको ये 1 के साथ में 0 को लेना पड़ेगा पहले, क्योंकि 1 में तो 3 का भाग जाएगा नहीं, तो 1 के बाजू में 0 लेंगे। 1 के बाजू में 0 लिए वो बन गया 10। अब 10 में आप 3 का पहाड़ा पढ़ो तो देखो 3 एक 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12। अब 3 4 12 10 से बड़ा हो गया, इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा 3 3 9। वजह करो 10 में से 9 गए बचा 1। ओके अब ये वाले 0 को उतारो, ये नीचे उतार दिए, अब नीचे आ गया 10, फिर 3 से तकसीम करेंगे 3 3 9, फिर बचा 1। अब लगाओ आश्चर्य, यहाँ लगाओ 0, फिर आएगा 3 3 9, फिर 1 बचा, अब छोड़ दो वो चलते रहेगा, 1 1 आते रहेगा उसके अंदर। इसका मतलब हमारा आंसर आ गया 33.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस तरीके से हम इसका जवाब जो है वो लेकर आएंगे। देखो आप लोगों को समझ में आया कि यस सर, यस सर, यस सर, हाँ यस सर। ओके हाँ ये समझ में आया सबको कैसे करा मैंने तो तकसीम? यस सर। हाँ सर ये इसमें हाँ आ गया ना बेटा, सबको समझ में आ गया? यस सर। ओके चलो अब हम चलते हैं एक और प्रॉब्लम पर। अगला प्रॉब्लम आप लोग करके बताओ, देखेंगे आप में से कितने लोग इसको फटाफट कर सकते हैं। हाँ बोलो सर, ये 10 का पावर -2 क्यों आ रहा है? 10 का पावर -2 क्यों आ रहा है? हाँ देखो एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मान लो आपको दिया हुआ है एक आधे प्रॉब्लम में 2 सेंटीमीटर, ठीक है, सपोज करो कि 2 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है, आपको इसको मीटर बनाने का है, तो कैसे करेंगे? आपको ये सोचना पड़ेगा कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, बताओ आप 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। ओके तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब आप एक काम कर सकते हैं, 1 मीटर इज इक्वल टू ये जो 100 है, 100 में आप देखो इसमें 2 जीरो है, जब इसमें 2 जीरो है इसका मतलब आप इसको लिखेंगे 10 का पावर +2 सेंटीमीटर। ओके 10 का पावर कितना आ गया? प्लस 2। ये जो 100 है उसको 10^2 लिख दिए सेंटीमीटर में। अब जब आप सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो ये जो 10^2 है इसको इधर लाना पड़ेगा, और जब ये इधर आएगा ये साइड में जब आएगा तो ये 10^+ नीचे आएगा, 10^2 होगा, और उसको ऊपर लेंगे तो वो ऊपर आकर -2 हो जाता। इसका मतलब जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे ये हो जाएगा 2^10^-2 मीटर। यानी ये 100 सेंटीमीटर की वजह से हम उसको 10^-2 लेंगे। हाँ एकदम आसान है, समझ में आया क्या आपको? यस सर। हाँ ये सब दिख रहा है ना आप लोगों को बोर्ड का? यस सर। यस सर। हाँ हाँ ओके चलो आप लोग अब एक सवाल करके बताओ मुझे।
एक सवाल जो है मैं आपको दे रहा हूँ, सब लोग म्यूट हो जाओ पहले। मान लो एक जर्रे की रफ्तार जो है वो आपको दी गई है 200 मीटर पर सेकंड, और आपको निष्कुत्र दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। आपको मरकज जो इसरा मालूम करना है, करो फटाफट। चलो आया सबका आंसर। क्या हो गया इतनी सर? हाँ बोलना शुरू करो, एकदम सन्नाटा हो गया सर। सर 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके देखो एक जवाब आ गया है। ओके और फटाफट शुरू हो जाओ। और किसी का कोई आंसर आया है बताओ। हाँ और किसी का आंसर नहीं आया? चलो ठीक है देखो सब लोग अपने अपने आंसर चेक करो। ओके सबसे पहले आप देखो v बराबर 200 मीटर पर सेकंड है। अब ये ऑलरेडी आपको मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है, मतलब एसआई यूनिट में है। और क्योंकि ये एसआई निजाम में है इसका मतलब इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, रहने दो उसको ऐसी जैसा है। अब आप r को देखो, r बराबर 50 सेंटीमीटर है, तो 50 सेंटीमीटर है इसका मतलब सेंटीमीटर जो है वो सीजीएस इकाई होगी, तो वो नहीं चलेगा। ये एसआई में है, ये सीजीएस में है, तो ये ऐसा नहीं चलेगा, सबके सब एसआई में चाहिए। तो हम इस सेंटीमीटर को मीटर बनाएंगे, इसको चेंज करना पड़ेगा मीटर में। तो हम इसको इस तरह से करेंगे, आर बराबर 50 × 10^2 मीटर। ओके सेंटीमीटर को मीटर बनाना है, 10^-2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 10^-2 से उसको जरफ कर दिए। ओके अब आप एक काम करो, हमको V मालूम है, R मालूम है, AC मालूम करना है। AC का फॉर्मूला AC बराबर V स्क्वायर अपॉन R,
बराबर है वी स्क्वायर अपॉन आर। अब इसमें आप कीमतें ला के रखो, देखो क्या होगा जब आप इसके अंदर v की कीमत लेंगे, v की कीमत है 200, तो 200 का स्क्वायर अपॉन r, r की कीमत है 50, जरब 10 की कुवत वजा 2, बराबर है। नोट करते जाओ आप लोग, ऊपर v की कीमत रखे 200, उसका स्क्वायर आ गया, अपॉन में नीचे 50, जरब 10 की कुवत वजा 2 माइनस 2, ओके। अब इस नंबर को हम और आगे बढ़ाते हैं, इसको हम इस तरह से लिखेंगे AC बराबर, ये देखो 200 का स्क्वायर है, इसका मतलब आप लोग इसको लिख सकते हैं 200 इंटू 200 200 जरब 200 क्योंकि स्क्वायर है इसलिए, अपॉन में नीचे 50 जरब 10 का पावर है माइनस 2, ओके। अब यहां पर अब आप इसको आगे बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं, चलो ये ऊपर का जो पार्ट है मैं मिटा देता हूं, इसको देखो किस तरह से हम सॉल्व करेंगे, आप गौर से देखना, ये जीरो से ये जीरो कट गया, ओके, एक जीरो से एक जीरो कट कर दिए। अब नीचे पांच है और यहां पे बीस है, तो ये पांच एक पांच, पांच चौक बीस, ओके, यानी ये पूरी तरह से कट गया एक नंबर, ओके। पहले मैंने जीरो से, पहले ये जीरो से जीरो कट किया, पांच से ये बीस को कट कर दिया। अब आप गौर से देखो, ये जो 10 का पावर माइनस 2 है, मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा, जब हम इसको ऊपर पहुंचाएंगे तो ऊपर जाकर ये प्लस में आ जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा AC बराबर, देखो यहां पर यहां से बचा हुआ है 4, जरब यहां से बचा हुआ नंबर है 200 इंटू ये 10 का पावर माइनस 2 जब ऊपर जाएगा तो ऊपर जाकर ये प्लस 2 हो जाएगा, इसका मतलब 10 का पावर प्लस 2, ओके। अब इसको और आगे हम सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि और सॉल्व होता आगे, इसको हम इस तरह से लिखेंगे AC बराबर, पहले बोलो ये सिर्फ समझ में आई सबको, देखो क्या हुआ, यहाँ पे ये कट करे, यहाँ से 4 बचा, यहाँ पे ये 200 था और ये 10 का पावर माइनस 2 ऊपर था, ऊपर लेकर गए प्लस 2 हो गया। अब इनकी जरब करो, ये दो नंबरों की जरब करेंगे, तो आप देखो 400 400 4 दुनी 8 जरब 10 का पावर प्लस 2, ओके। और अब इसके बाद अगली स्टेप के अंदर आप देखो, यहाँ पर इस नंबर को आप ऐसा लिख सकते हैं AC बराबर, ये जो दो जीरो है, ये दो जीरो 800 में की जो दो जीरो है उसका मतलब है 10 का पावर 2, वो जो 10 का पावर 2 है वो आप इसमें मिला दो, बाजू वाले 10 में मिला सकते हैं, इसका मतलब आंसर आएगा 8 इंटू 10 का पावर, यहाँ प्लस 2 है और ये दो जीरो उसमें जाकर मिल गए, ये हो जाएगा प्लस 4 और यूनिट रहेगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 8 इंटू 10 का पावर प्लस 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो आप लोगों को समझ में आया कि सर वो एक कहाँ गया तो? हाँ कौन कहाँ गया? हाँ पूछो ना बेटा, पूछो, देखो सवाल करने में घबराना नहीं बिल्कुल, पूछो दोबारा से पूछो। हाँ बोलो सर, 10 का पावर जब 4 लिए, ये वाला जो पॉइंट है इसको मैं एक बार और बता देता, ये जो 800 है क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 8 जरा 10 की कुवत 2, ऐसा लिख सकते हैं 800 को 8 जरा 10 की कुवत 2, इसके बाद जरा ये जो 10 की कुवत 2 है ये अलग से है, वो 10 की कुवत 2 अलग से है। हाँ अब आप इसको ऐसा करेंगे 8 जरब 10 की कुवत 2, 10 की कुवत 2 ये बन जाएगा 10 की कुवत 4, 2 और 2 4, यूनिट बनेगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो आया क्या समझ में? यस सर। हाँ ये आंसर कितने लोगों का आया था? चलो ठीक है, ओके, हाँ वेरी गुड। एक प्रॉब्लम और आप लोग करके बताओ, चलो मैं यहाँ लिखता हूँ, बहुत ही आसान प्रॉब्लम दूंगा, एक देखेंगे ये सवाल कितने लोग कर सकते हैं, तो बहुत आसान सवाल,
मान लो कि रफ्तार आपको दी गई है 10 मीटर पर सेकंड, और आप लोगों को रेडियस जो है वो दिया हुआ है 10 मीटर, आपको मरकज जो इसरा मालूम करना है। आपके पास सिर्फ 1 मिनट का टाइम है, 1 मिनट में हल होने को ना, इतना आसान सवाल है। सर 0.1। ओके, एक आंसर आ गया है, सही है गलत है जी हम देखेंगे, चेक करेंगे। 0.1। ओके, दो लोगों का आंसर 0.1 आ गया। देखो किसी और का कोई दूसरा आंसर आया है तो बताओ। सर 0.1। ओके, तीन लोगों का आंसर 0.1 आ गया। सर 1.1। ओके, एक नया आंसर आया 1.1। ओके, चलो चलो ठीक है, मैं आप लोगों को सॉल्व करके बताता हूँ। देखो इससे फर्स्ट से आप में से जितने भी लोगों ने आंसर बताए हैं वो सब रॉन्ग है, कुछ तो भी गलतियां आप लोगों ने कर दी है उसके अंदर। अब समझ लो आप लोग एक बार उसको। देखो सबसे पहले v बराबर है 10 मीटर पर सेकंड। आप लोग यूनिट पे गौर करो, मीटर पर सेकंड एसआई निज़ाम में है, और जब कोई एसआई निज़ाम में रहता उसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं रहती। इसका मतलब ये 10 मीटर पर सेकंड को आपको तब्दील करने की ज़रूरत नहीं है, ये 10 का 10 ही रहेगा। ओके, क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी एसआई निज़ाम में है, उसको चेंज करने का कोई मतलब ही नहीं है, तो उसको वैसे ही रहने दो। चलो आर देखो, आर आपको दिया हुआ है 10 मीटर, अब रेडियस आपको 10 मीटर दिया हुआ है, मीटर का मतलब है एसआई निज़ाम। फिर एक बार आपको ऐसा निज़ाम दिया हुआ है, इसका मतलब इसको भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो ना तो आप 10 मीटर पर सेकंड खती रफ्तार जो है उसको चेंज करेंगे, ना आर बराबर 10 मीटर है उसको चेंज करेंगे, मतलब दोनों को भी तब्दील करने की ज़रूरत नहीं है। आया समझ में? तब्दील उस वक्त करते हैं जब कोई एक ऐसा में हो और कोई दूसरा सी जी एस में हो। यहाँ पर सी जी एस में कोई भी नहीं है। तो 1.0 तो आंसर 1.0। ओके ओके ओके, तो एक और आंसर आया है, नया आंसर 1.0। सही है कि गलत है वो अभी हम चेक करने वाले हैं। ओके, सब लोग गौर से देखना इधर। आप सबसे पहले आप देखो एसी का फॉर्मूला, एसी का फॉर्मूला है वी का स्क्वायर अपॉन आर। ओके, अब इसमें आप कीमतें रख दो, अब आपको वही कीमतें रखना है जो ऑलरेडी जो आपको दी गई थी, तो अब जो कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है उनको, क्योंकि सब ऐसा ही नहीं है। तो वी की कीमत है 10, ये आ जाएगा 10 का स्क्वायर अपॉन, नीचे आर है, आर की कीमत है 10, ये हो जाएगा 10। ओके, अब इसको एकदम इत्मीनान से सॉल्व करो। एसी बराबर आप देखो 10 का पावर 2 है, 10 का पावर 2 का मतलब है कि 10 को आपको दो बार लिखना पड़ेगा जरब करके, मतलब तो आप इसको ऐसे लिखेंगे 10 × 10 और अपॉन में नीचे ये वाला 10 है। ओके, और अब देखो ये 10 से ये 10 कट गया, जब 10 से 10 कैंसिल हो गया तो अब बचा कौन, सिर्फ ये वाला 10, इसका मतलब 10 बाकी बच्चा, ये हमारा आंसर आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर खत्म। यानी ये सवाल का जो जवाब है वो रहेगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो एक बार देखो आप लोग लिख, हाँ बोलो सर, अगर 10 के पावर को 100 लिखते थे तो 10 एक 10 और 10 मतलब उसको 10 से तकसीम कर देते थे तो सर इसका आंसर आता तो भी चलता था। हाँ देखो देखो मैं वैसा करके बताता हूँ जैसा आप बता रहे हो। ये देखो ये 10 का पावर 2 है, इसको क्या लिखेंगे 100 बराबर अपॉन नीचे कौन है 10, ये 0 से ये 0 कट गया, अब 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो अब ऊपर से कौन बचा 10, नीचे से बचा 1, नीचे जो 1 बचा है उसका कोई मतलब ही नहीं रहता। आप याद रखो 1 से ज़रब करो
या 125 करो तो जवाब पे फर्क नहीं पड़ता, इसका मतलब आंसर आ गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जैसा चाहो वैसा कर सकते। देखो आपको समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ओके। हाँ। एक एक सवाल और देता हूँ मैं, देखेंगे अगले सवाल को कितने लोग कर सकते हैं। ओके, आप लोग सब कोशिश करो। जब आप सब कोशिश करेंगे, अभी सिर्फ 4-5 लोगों ने सब कोशिश की है, बाकी लोग खामोश थे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग सब जितने अभी ज्वाइंट है सबके सब कोशिश करो। आंसर रॉन्ग आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके, बल्कि उल्टा मामला है। अगर आंसर रॉन्ग आया तो ज़्यादा खुशी की बात है, फिर अपन उसको राइट बनाएंगे, ठीक है। लेकिन खामोश बैठना गलत बात है, खामोश मत बैठो, कुछ तो भी आप करो और मुझे बताओ आंसर कितना आ रहा है, तो ठीक है। चलो एक सवाल मैं दे रहा हूँ और भी। मान लो आपको दिया हुआ है R बराबर 50 मीटर और आपको रफ्तार दी गई है 100 मीटर पर सेकंड। आपको AC मालूम करना है, बहुत आसान है, फटाफट एक मिनट में सॉल्व होने को ना। आप 200। ओके, एक आंसर आ गया है, एक आंसर आ गया है 200। ओके, दो लोगों का आंसर आ गया, एक और करेक्ट 200। चलो हाँ, चलो ठीक है। देखो इसको मैं एक बार करके बताता हूँ, सब लोग गौर से देखना। AC बराबर, हाँ सब अपने आप को म्यूट कर लो पहले। हाँ ओके, देखो AC बराबर V² / R। अब इसमें कीमतें रख देंगे, V की जो कीमत है वो है 100, 100 का पावर 2 / R, R की कीमत है 50। ओके, इसका मतलब ये आएगा AC = 100 की कुवत 2 है, मतलब 100 को 100 से ज़रब करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 100 ज़रब 100 और / में नीचे ये 50। ओके, अब आप इसको आराम से डायरेक्ट कट कर सकते हैं, 50 एक 50, 50 दूनी 100 और फिर फाइनल आंसर आएगा AC बराबर। आप देखो यहाँ पर 2 है और यहाँ पे 100 है, नीचे ये एक ही बचा, नीचे जो एक बचा है उसका कोई मतलब नहीं है, ऊपर वालों की जरूरत कर लो, 2 ज़रब 100, 100 दूनी 200, 200 बटे 1 मतलब 200 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप सब लोगों का सबका जवाब सही था, ओके, समझ में आया सब लोगों को? यस सर। ओके सर, चलो अल्लाह का शुक्र है, वेरी गुड। एक सवाल और, एक और करके बताओ। चलो एक और करेंगे। मान लो V बराबर 5 मीटर पर सेकंड है और R बराबर 5 मीटर है, आपको मरकज जो इसरा मालूम करना है, फटाक से जल्दी से एक मिनट में जवाब बताओ। देखो मैं फिर भी एक, हाँ यस सर, हाँ ओके, चलो ठीक है। देख लो एक बार, देखो AC बराबर आएगा V² / R, V की कीमत रखिए 5² / R, उसकी कीमत 5 है, इसको सॉल्व करेंगे 5 ज़रब 5 / 5, ये 5 से 5 कट गया, आंसर आ गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, अगर आप में से किसी ने 5 का स्क्वायर 25 लिखा होगा तो भी चलता, 25 बटे 5, बाद में 5 से 25 को कट कर दो तो भी आंसर 5 आएगा,
ऐसा नहीं करो आप, जैसा भी आप करेंगे आपका आंसर जो है वो राइट आएगा। ओके, ये था मरकज जो इस तरह का सवाल, इस तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, एक सवाल, अब हम थोड़ा सा एक बड़े टाइप के सवाल की तरफ चलेंगे। अगला सवाल नोट करो आप लोग, ठीक है, अगला सवाल लिखो। एक जर्रा दायरे के मुहित पर, एक जर्रा दायरे के मुहित पर टेन रेडियन पर सेकंड, टेन रेडियन पर सेकंड जावियाई रफ्तार से टेन रेडियन पर सेकंड जावियाई रफ्तार से हरकत कर रहा है। हरकत कर रहा है, फुल स्टॉप। उसके बाद आगे लिखो अगला सेंटेंस। 10 सेकंड बाद, 10 सेकंड बाद उसकी जावियाई रफ्तार, 10 सेकंड बाद उसकी जावियाई रफ्तार 20 रेडियन पर सेकंड हो जाती है, 20 रेडियन पर सेकंड हो जाती है। जावियाई इसरा मालूम कीजिए, जावियाई इसरा मालूम कीजिए। ओके, लिख लिए सब लोगों ने? यस यस सर। हाँ यस सर। चलो अब हम ये प्रॉब्लम को अब सॉल्व करेंगे। देखो, सबसे पहले आपको दिया हुआ था कि एक जर्रा यक्षा दायरी हरकत में है और उसकी इब्तदाई जावियाई रफ्तार 10 रेडियन पर सेकंड है। इब्तदाई जावियाई रफ्तार है, हम उसको बोलेंगे ओमेगा 1। आप याद रखो, जावियाई रफ्तार की अलामत जो है वो ओमेगा है, ओमेगा को स्मॉल डब्ल्यू लिखना पड़ता। इब्तदाई जावियाई रफ्तार है इसलिए ओमेगा 1 बोलेंगे उसको, तो ओमेगा 1 बराबर 10 रेडियन पर सेकंड। ओके, इसके बाद आपको बोला गया था कि कुछ वक्त गुजरा, कुछ टाइम पास हुआ, जो टाइम है हम उसको लिखेंगे टी, तो टी बराबर 10 सेकंड। ओके, 10 सेकंड का वक्त जो है वो गुजरा, इसके बाद उसकी जावी रफ्तार बढ़ गई, उसकी जो नई जावी रफ्तार है वो है ओमेगा 2, तो ओमेगा 2 बराबर 20 रेडियन पर सेकंड। और अब आपसे सवाल पूछा है कि जावियाई इसरा क्या होगा। आप याद रखो, जावियाई इसरा की अलामत जो है वो अल्फा है। आपसे पूछा गया है अल्फा बराबर क्या, अल्फा जो है वो आपको मालूम करना है। ओके, पहले ये बताओ, ये समझ में आया सबको जो मैंने लिखा हूं तो? यस सर। ओके, तो सबसे, हाँ, जब भी आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करोगे सबसे पहले आपको यही लिखना पड़ेगा कि क्या क्या दिया है। जो चीजें दी गई है पहले उनको लिख लेंगे, और अब ये जो दिया गया है, अब हमको फॉर्मूला लिखना है। आप में से कितने लोगों को अल्फा का फॉर्मूला याद है? हाँ, वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल सही है। तो अल्फा बराबर ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन टी, बराबर है ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन टी। हाँ, अब हम क्या करेंगे, ओमेगा 1, ओमेगा 2 और टी, सिर्फ इनकी कीमतें लाके रख दो इसमें। जैसे आप इसमें कीमतें लाके रखेंगे आपको जो जवाब है वो मिल जाएगा। तो किस तरीके से हम कीमतें रखेंगे वो देखो, कीमतें आप लोगों को आना चाहिए सिर्फ। हाँ, यह आएगा अल्फा बराबर ओमेगा 2। अब ओमेगा 2 जो है वो कितना दिया था अपने को, 20 रेडियन पर सेकंड। हाँ,
20 रेडियन पर सेकंड, माइनस ओमेगा वन, ओमेगा वन कितना दिया हुआ है 10 अपॉन टाइम, टाइम कितना दिया हुआ है 10 ओके। और अब आप इसको सॉल्व करना शुरू कर दो, देखो क्या होगा, किस तरीके से इसको करेंगे। अल्फा बराबर 20 वजह 10, तो पहले और जैसे आप इनको वजह करोगे सर क्या करेंगे, 20 में से 10 है वैसे 10 अपॉन में नीचे है 10 ओके, ये 10 से ये 10 कट जाएगा, इसका मतलब फाइनल आंसर आया अल्फा बराबर 10 से 10 यानी 1, इसकी यूनिट रहेगी रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, 10 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, 1 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर ओके। देखो समझ में आया क्या आपको? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। हाँ ये प्रॉब्लम है किसी को कोई, हाँ इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? हाँ बोलो। हाँ बोलिए बोलिए, अरे हाँ बोलिए, डरने की बात नहीं है, बोलिए आप क्या 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 प्रॉब्लम आया। हेलो आवाज आ रही है मेरी सबको? यस सर, यस सर। हाँ ओके चलो ठीक है, आज का हम एक लास्ट आखिरी प्रॉब्लम कर लेते हैं फटाफट जल्दी से, आप ही लोग करके बताओ, फिर हम कल से थ्योरेटिकल सवाल जो है वो शुरू करेंगे। आखिरी प्रॉब्लम देखो, एक जर्रा फाइव, अरे पहले सब म्यूट हो जाओ, एक जर्रा 5 रेडियन पर सेकंड जाविआई रफ्तार से हरकत कर रहा है, 5 रेडियन पर सेकंड जाविआई रफ्तार से हरकत कर रहा है, पच्चीस सेकंड बाद उसकी जाविआई रफ्तार, उसकी जाविआई रफ्तार 55 रेडियन पर सेकंड हो जाती है, 55 रेडियन पर सेकंड हो जाती है, जाविआई इसरा मालूम कीजिए, जाविआई इसरा मालूम कीजिए, करो आप लोग फटाफट जल्दी जल्दी इसका आंसर बताओ क्या आएगा। एक आंसर आया है 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, और किसी का कोई आंसर आया सर? 2 रेडियन पर सेकंड, बिल्कुल सही है, करेक्ट 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर ये आंसर आने वाला है ओके। तो चलो अब हमारे प्रॉब्लम जो है वो, अब हमारे जो प्रॉब्लम्स है वो पूरी तरह से मतलब आपको आ गए, यानी ये जो पहला पार्ट हमारा था यहाँ पर अब पूरी तरह से हो गया, थ्योरेटिकल भी पूरा हो गया, न्यूमेरिकल्स भी हो गए। अब हम आगे का जो पार्ट है वो इसको इंशाल्लाह अगले पीरियड में जो है वो कंटिन्यू करेंगे। चलिए अल्लाह हाफिज़।